नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए गुरुजी स्टडी पॉइंट को और पाइए सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का गुरुजी स्टडी पॉइंट में। मैं पीयूष दुबे आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि मैं आज यहाँ पर रसों के बारे में बात करने वाला हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। रसों के बारे में अगर बात करें तो पहला प्रश्न जो निकलता है वो यह है कि रसों की प्रामाणिक संख्या कितनी होती है। रसों की प्रामाणिक संख्या होगी 9। देखिए, हर प्रतियोगी परीक्षा में रस से जो भी प्रश्न आते हैं, पहले आप प्रश्न को अच्छे से समझिए कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, उसी हिसाब से आपको उत्तर देना होता है। कभी रसों की प्रामाणिक संख्या पर बात करते हैं तो कभी रसों की कुल संख्या पर बात करते हैं। आपको प्रश्न देखकर ही उत्तर लगाना है। अगर हम लोग रसों की कुल संख्या की बात करें तो वह होते हैं 11। दो रस बाद में आचार्यों द्वारा और जोड़े गए थे, जो कि है वात्सल्य रस और भक्ति रस। अगर हम लोग बात करते हैं स्थाई भाव की संख्या की, तो स्थाई भाव भी 9 ही होते हैं, लेकिन मान्यता जो है वो 11 स्थाई भाव को प्राप्त है। जो रस आपके दो अलग से जोड़े गए हैं उनका भी स्थाई भाव जोड़ा जाता है। अब बात करते हैं भरत मुनि के अनुसार, इन्होंने रसों की संख्या को 8 माना है। इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है और भभूति जी के अनुसार रसों की संख्या है 1। तो दोस्तों, भभूति जी ने जो एक सूत्र दिया है वो है एकः रसः करुणैव, मतलब एक ही रस है और वो है करुण रस। तो भभूति जी ने सिर्फ करुण रस को ही रस माना है, बाकी इन्होंने रस को नहीं माना है। तो ये तो हो गई रसों पे की संख्याओं पर बात। अब आइए आगे बढ़ते हैं, रसों के अंग देखते हैं। तो दोस्तों, रसों के अंगों की जो संख्या है वो होती है 4। देखिए, रसों के अंग का एक सूत्र है जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, विभावानुभाव संचारी भाव संयोगाद्र रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव से मिल करके रस की निष्पत्ति होती है। तो ये 4 हो गए रसों के अंग। उम्मीद है आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे और मैं जो भी बता रहा हूँ आप लोग साथ साथ लिखते जा रहे होंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं रसों के का पहला अंग, जो कि आपका है विभाव। देखिए, विभाव दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका आलम्बन, दूसरा है उद्दीपन। आलम्बन के भी दो प्रकार हैं, आश्रयालम्बन और विषयालम्बन। इन्हें मैं अभी आपको एक उदाहरण के जरिए बहुत अच्छे से समझा दूंगा। दूसरा होता है विभाव उद्दीपन। उद्दीपन में है जो परिस्थिति या वस्तु भाव को उद्दीप्त कर दे, जो भाव आपके अंदर आ रहा है उसे और ज़्यादा बढ़ा दे, वह आपका कहलाएगा उद्दीपन। आइए देखते हैं एक उदाहरण। एक सुंदर वन में शकुंतला को देखकर राजा दुष्यंत के हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ। तो देखिए, इसमें शकुंतला और दुष्यंत दो करेक्टर हैं। तो राजा दुष्यंत जो हैं, उनके हृदय में जो प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है तो वो हो जाएंगे आश्रयालम्बन। जो प्रेम आपका है, जो रति है, वो किसके हृदय में आश्रय ले रही है? राजा दुष्यंत के हृदय में। तो जहाँ आश्रय लिया वो आश्रयालम्बन। उस प्रेम उत्पन्न होने का विषय कौन है, कारण कौन है? शकुंतला। तो शकुंतला आपका हो जाएंगी विषयालम्बन। आप लोग साथ ही साथ लिखते चलिए, बहुत अच्छा मटेरियल आपको यहाँ पे मिल रहा है। उद्दीपन की बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी हुई है। कॉपी पेन लेकर बैठिए, वीडियो को पुश करके लिख लीजिए। उद्दीपन आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, जो परिस्थिति या वस्तु जो भी भाव आ रहा है उसे और ज़्यादा बढ़ा दे, वह आपका उद्दीपन कहलाता है। इस उदाहरण में हम देखें तो एक सुंदर वन, देखिए पहली बात तो देखा तो स्थाई भाव जो प्रेम है वो उत्पन्न हुआ। ऊपर से क्या था, एक सुंदर वन था, वहाँ चिड़ियाँ चहचहा रही होंगी, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका उद्दीपन। ये चीज़ें उस भाव को और ज़्यादा उद्दीप्त कर रही हैं, बढ़ा रही हैं, तो ये उद्दीपन हो जाएंगी। और आश्रयालम्बन विषयालम्बन आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, जिसके हृदय में आपका जो भाव है स्थाई भाव वो आश्रय लेता है, वो आश्रयालम्बन राजा दुष्यंत। जिसके हृदय में रति या प्रेम भाव जो उत्पन्न हुआ है वो आपके आश्रयालम्बन हो जाएंगे, और जिसके कारण से हुआ है वो हो जाएगा विषयालम्बन। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं रसों के अंग का दूसरा पार्ट, जो कि है अनुभाव। अनुभाव को हम कुछ इस प्रकार समझते हैं कि
मन के भाव को व्यक्त करने वाले शरीर के विकार को अनुभव कहते हैं। देखिए, आपके मन के जो विकार हैं, जब किसी परिस्थिति या वस्तु को आप देखते हैं, तो उस वक्त उस समय आपके मन में जो विकार आता है, आपके मन में जो भाव आता है और आपका शरीर जिस प्रकार का रिएक्शन दे, तो वह ही अनुभव कहलाता है। आपके मन में क्या भाव चल रहा है, देखिए अनुभव 8 प्रकार के होते हैं और 8ों अनुभव मैंने स्क्रीन पर लिख दिए हैं। आप लोग वीडियो पुश करके साथ ही साथ लिखते ज़रूर चलिएगा, जिससे कि आप लोगों को आगे के लिए कोई दिक्कत ना हो। पहला, स्तब्ध, स्वेद, रोमांच, स्वर भंग, कंपन, विवर्णता, अश्रु प्रलय, ये 8 आपके अनुभव हो गए। जैसे आपसे कोई कुछ कहता है तो कुछ ऐसी खबर जिसे सुनकर आप एकदम से चौंक जाते हैं, स्तब्ध रह जाते हैं, अरे ये क्या हो गया। तो इसी प्रकार के जो भाव होते हैं उन्हें हम अनुभव कहते हैं। अगला देख आइए, अब चलते हैं संचारी भाव की तरफ। संचारी भाव से प्रतियोगी परीक्षा में जब भी प्रश्न आते हैं तो वह सिर्फ ये पूछता है कि संचारी भाव की संख्या होती कितनी है। तो संचारी भाव की संख्या हो जाएगी 33। और संचारी भाव होते क्या हैं, मन में आने जाने वाले भाव को संचारी भाव कहते हैं। जो भाव आपके मन में संचार कर जाए लेकिन रुके ना, वह संचारी भाव होता है। 33 होते हैं, कुछ मैंने आपके सामने लिखे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बाकी 33 के 33 याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, संचारी भाव और स्थायी भाव में फ़र्क यह है, स्थायी भाव जो होता है वो आपके हृदय में हमेशा के लिए आजीवन स्थायी होता है, कभी बाहर निकलता है तो कभी शांत रहता है। लेकिन संचारी भाव जो होते हैं वह आपके मन में विचरण करते रहते हैं, एकदम से आएगा और अगले ही पल शांत हो जाता है, उसे संचारी भाव कहते हैं। मन में संचार करने वाले भाव को संचारी भाव कहते हैं। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, संख्या 33 होती है। तो आइए अब देखते हैं स्थायी भाव। तो दोस्तों, अब देखते हैं स्थायी भाव। सबसे पहले तो स्थायी भाव की डेफिनेशन देख लीजिए। स्थायी भाव ही रस का आधार होता है, इससे ही हम रस की पहचान कर सकते हैं। देखिए, जो रस का स्थायी भाव होगा उसी से हम पहचानेंगे कि रस कौन सा दिया गया है, और स्थायी भाव में रस में मिल जाएगा। तो देखते हैं, 9 रस इधर दिए गए हैं, ये इधर उनके स्थायी भाव दिए गए हैं। देखिए, जिस सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे लिखा है आप उसी सीक्वेंस में लिखिए, उसी में याद कीजिएगा, बहुत सरल रहेगा। सबसे पहला आ जाता है श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव हो जाएगा रति अथवा प्रेम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार क्वेश्चन है, जो इसमें 4 स्टार लगे हुए हैं इनमें से ही आपको परीक्षा में मिलेंगे, यहाँ से आपका 1 नंबर आज कन्फर्म हो जाएगा। दूसरा है हास्य रस, हास हो जाएगा। करुड़ रस, शोक हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। रौद्र रस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्रोध हो जाएगा। भयानक रस का भय नहीं पूछते हैं। विभत्स रस का, इसका थोड़ा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका नाम बहुत ही अजीब सा है, जुगुप्सा, इसे घृणा भी कहते हैं। तो अगला जो रस है अद्भुत रस, आश्चर्य हो जाएगा, कम आता है परीक्षा की दृष्टि से। 9वां रस है हमारा शांत रस, और इसका हो जाएगा निर्वेद या शम, जो कि बहुत पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो ये रहे 9 रस और उनके स्थायी भाव, जिससे कि आपका 1 नंबर कन्फर्म होता है यहाँ से। इसमें जो 4 में स्टार लगे हुए हैं ये आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, इनमें से आपको परीक्षा में मिल जाएगा। तो चलिए, आज रस की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी मैं रस की 2 से 3 वीडियो और देने वाला हूँ। अगली वीडियो में मैं रस समझाऊंगा, उनके उदाहरण दूंगा, और फिर एक वीडियो में आपको रस के कुछ क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो जैसा कि हर वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ वोकैब देना चाहता हूं, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट कलेक्शन लेके आया हूं आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए हैं कुछ वोकैब, जिन्हें आप अपनी कॉपी में लिखिए और याद करते रहिए साथ साथ, जिससे आपको एक साथ नहीं याद करनी पड़ेंगी। और मैं आपको बता दूं, ये वीडियो इस चैनल की पहली वीडियो है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो में आपको परेशानी ना हो और आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाए। तो आइए अब देखते हैं वोकैब। तो आज की वोकैब में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ विलोम शब्द। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहला शब्द मैंने लिखा है बिबावरी,
इसका विलोम क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए, जिसे पता हो वो। तो विभावरी का हो जाएगा दिवस। देखिए जिसे पता है विलोम क्या होगा वो तुरंत कमेंट करे, बाद में मैं आपको बताता चलूँगा साथ साथ में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दूसरा शब्द आ चुका है आलस्य, इसका जिसे पता हो वो कमेंट करे, मैं अभी बता रहा हूँ। तो आलस्य का हो जाएगा उद्यम, उद्यम। ठीक है, कंफ्यूज में तो ये साथ साथ लिखते जरूर चलिएगा। अगर आप लोग 10-10 भी रोज पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत सारा एक पेपर के टाइम पे एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाएगा, और अगर आप रोज के रोज नहीं पढ़ेंगे तो फिर पेपर टाइम आप लोग 100-150 देख लेंगे, एक भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको जितने यहाँ पे कराऊँ उतने साथ साथ याद करते चलिएगा। तो अगला शब्द आ गया परोक्ष, इसका जैसे पता वो कमेंट करें। तो देखिए परोक्ष का हो जाएगा प्रत्यक्ष। अगला देखिए निरामिष, जिसे पता है वो कमेंट तुरंत कीजिएगा, जिसे नहीं पता है वो पेन लेकर बैठे, और जैसे ही मैं इसमें लिखता हूँ साथ ही साथ नोट करते चलिए, और कोशिश करिए ये याद करके ही आप आज इसे लिखकर और फिर याद कीजिएगा, और जब मैं अगले दूँ तो आपको ये सारे याद होने चाहिए तब तक। तो देखिए निरामिष का हो जाएगा आमिष। बहुत लोग इसका सामिस कर देते हैं जो कि बिल्कुल गलत है, निरामिष का आमिष याद रखिएगा। अगला है जंगम, इसका बताइए जिसे याद दो। ये जितने भी मैं आपको यहाँ पे विलोम शब्द करवा रहा हूँ ये सब परीक्षा में आए हुए हैं, TGT और PGT अच्छी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, तो आप इन्हें लिखते जरूर चलिएगा साथ साथ। तो देखिए जंगम का हो जाएगा स्थावर। और अब अगला देखते हैं आलोक, इसका बताइए। तो आलोक का हो जाएगा तिमिर। अगला देखते हैं क्षणिक, इसका बताइए इसे पता हो। तो क्षणिक का हो जाएगा शाश्वत। अब अगला शब्द देखते हैं बहिरंग, इसका बताइए। तो देखिए बहिरंग का हो जाएगा आपका अंतरंग। बहिरंग मतलब बाहरी रंग और अंतरंग का आंतरिक रंग। अगला देखते हैं, अगला शब्द आपका है क्षुद्र, इसका बताइए विलोम, कमेंट कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। तो क्षुद्र का हो जाएगा महान। और अब देखते हैं इति, इसका बताइए। तो इति का हो जाएगा अथ। ये मैंने आपको आज 10 शब्द विलोम दिए हैं, तो आप लोगों ने ये 10 के 10 लिख लिए होंगे, और इन्हें साथ ही साथ आप याद भी करते चलिएगा, जिससे कि आप अगर दिन के दिन रोज़ याद करेंगे तो आपको पेपर तक आसानी होगी। और मैं हर वीडियो के लास्ट में आपको 8 या 10 वोकैब हर वीडियो में आपको दूंगा अंत में, तो इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, ये इस चैनल की पहली वीडियो है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ में एक बेल आइकन बन के आएगा उसे भी दबा दीजिए, जिससे कि मैं जब अगली वीडियो डालूंगा तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आपको वीडियो से अगर कुछ अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव में कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो तो उसके साथ ये वीडियो व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आगे भी इस चैनल पे आती रहेंगी। और जितना भी मैं यहाँ पर आपको देता हूँ मटेरियल, आप लिखते जरूर रहिएगा साथ साथ और लर्न करते रहिए, जिससे कि आपको एक साथ याद नहीं करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।